स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे जो कि आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जामिनेशन 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 4/√3 हो और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बिटवीन हो तो आपको sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर आपके जैसा कि सिलेबस में 9th-10th वाले पोर्शंस हैं और थीटा स्पेशली 0 से π/2 के बिटवीन क्या दे रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं आपसे 30, 45, 60 के रेस्पेक्ट में बात कर सकता है। अगर इसको शॉर्ट वे से करना चाहे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो कैसे, डिटेल मेथड तो आप लोग करते ही हैं इसको एग्जामिनेशंस वगैरह में, कैसे हम लोग इसको कॉम्पिटिशन अप्रोच से करते हैं जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 4/√3। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करूं, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है अगर जीरो, देखो ना तो जीरो शामिल है ना पाई बाई टू शामिल है। पहला मेथड तो ये कि थीटा इज इक्वल्स टू अगर आप 30 डिग्री पुट करके देखें तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, tan 30 प्लस cot 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। अगर मैं इसमें से इसको एलसीएम लेता हूं तो 1 + 3 कितना हो गया 4/√3। देखिए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और अगर इसको थोड़ा सा अप्रोच में ले जाएं डायरेक्टली, बाय द वे ना मालूम चल रहा हो तो इसको एक और वे से भी सोच सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी है 1/tan θ। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं tan थीटा, यहां क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/√3। अब सोचो यहां पर tan थीटा √3 कब होता है और sec स्क्वायर थीटा 4 कब होता है। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है एंड sec थीटा की वैल्यू 4 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 60 डिग्री हो। सही है, थीटा tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sec 60 की वैल्यू होती है आपके 2। तो sec 60 की वैल्यू अगर 2 है तो उस केस के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होगा sec स्क्वायर 4, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप चाहे जो चाहे तो इस वाले अप्रोच से कर रहे हो तो भी और चाहे इस अप्रोच से कर रहे हो तो भी, एज योर चॉइस, या 30 या 60 दोनों में से कुछ भी इसमें पुट करके देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर मैं 30 पहले पुट करता हूं तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 LCM 1 + √3। तो देखिए जरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, √3 + 1/2 जो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है। आप चाहे तो थीटा 30 यानी इस मेथड से 30 पुट करके देखेंगे तो भी फटाक से आंसर आ गया, एंड अगर इस अप्रोच से देख रहे हैं 60 पुट करेंगे तो भी ये इधर आएगा आंसर, वही √3 + 1/2 आएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।